एवरीवन वेलकम बैक। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ट्वेल्थ के बाद हमें क्या करना चाहिए। स्पेशली ट्वेल्थ के बाद मैंने ये नहीं बताना है कि आपको क्या करना चाहिए, मैंने ट्वेल्थ के बाद क्या किया है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने ट्वेल्थ के बाद BSc ऑप्टोमेट्री की है, तो मैं उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ट्वेल्थ के बाद हम क्या कर सकते हैं। सो BSc ऑप्टोमेट्री के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि BSc ऑप्टोमेट्री होता क्या है, इसमें कितना टाइम लगता है, इसका ड्यूरेशन कितना है, इसका फी स्ट्रक्चर कितना है, और ऑप्टोमेट्री करने के बाद हमें हमारा फ्यूचर क्या है, एंड इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसकी कोर्स फी क्या है, और हमारा क्या करियर रह सकता है इसमें। सो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि BSc ऑप्टोमेट्री करने के बाद हम क्या कर सकते हैं और इसका फ्यूचर क्या रह सकता है। सो गाइस, मैंने भी BSc ऑप्टोमेट्री किया है, तो मैं वही चीज़ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कंटिन्यू आगे देखिएगा। सो व्हाट इज़ ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टोमेट्री क्या है। कोई भी कोर्स करने से पहले आपको उस चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कोर्स करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस कोर्स में क्या रहता है, हम क्या सीखने वाले हैं। सो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि ऑप्टोमेट्री होता क्या है, बिकॉज ज़्यादातर लोग बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्टिशियंस होते हैं या टेक्नीशियंस होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्टिशियंस नहीं होते हैं, ना ही टेक्नीशियंस होते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट एक आई केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि आपकी ऑप्टोमेट्री में डिग्री हासिल करते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट एग्जामिन करते हैं आईज़ को, और साथ ही साथ विजन के साथ साथ वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी एग्जामिन करते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करते हैं बाय प्रिस्क्राइबिंग कॉन्टैक्ट लेंसेस एंड ग्लासेस। सम ऑप्टोमेट्रिस्ट आल्सो प्रोवाइड लो विजन केयर एंड विजन थेरेपीज। सो ऑप्टोमेट्रिस्ट आई केयर प्रोफेशनल्स होते हैं। ऑप्टोमेट्री कोर्स कितने टाइप का होता है? ऑप्टोमेट्री कोर्स टू टाइप्स में है, एक होता है डिप्लोमा ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड दूसरा होता है BSc ऑफ ऑप्टोमेट्री। सो दोनों ही कोर्स आप कर सकते हैं, BSc ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा ऑफ ऑप्टोमेट्री। सो BSc ऑप्टोमेट्री में क्या एलिजिबिलिटी रहती है? आप ट्वेल्थ के बाद BSc ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्वेल्थ कर रहे हैं तो आपके पास साइंस साइड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास PCM है या PCB है तो आपका एडमिशन हो सकता है BSc ऑप्टोमेट्री में। साइंस साइड होना इस कोर्स के लिए ज़रूरी है। बात आती है ड्यूरेशन, कोर्स का कितना ड्यूरेशन रहता है, कितने इयर्स में ये कंप्लीट हो जाता है। डिप्लोमा जो होता है वो 2 इयर्स का रहता है, सो इसमें 2 इयर्स में आपको स्टडी करना होता है एंड 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप रहती है। अब आती है BSc ऑप्टोमेट्री, BSc ऑप्टोमेट्री में कितना ड्यूरेशन रहता है। BSc ऑप्टोमेट्री 4 इयर्स, टोटल 4 इयर्स का कोर्स है। इसमें 1 ईयर की इंटर्नशिप रहती है इंक्लूडेड 4 इयर्स के अंदर। 3 इयर्स में आपकी स्टडी रहती है एंड 1 ईयर की इंटर्नशिप रहती है। सो इंटर्नशिप आप अपने कॉलेज से कर सकते हैं या फिर आप किसी भी हॉस्पिटल से कर सकते हैं। BSc ऑप्टोमेट्री के लिए एडमिशन का क्या प्रोसेस रह सकता है? सो गाइस, इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन्स हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके ही बाद ये आपका कोर्स में एडमिशन होता है। मेरा भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, मैंने तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में जब मैं गई थी तो फर्स्ट मेरा एग्ज़ाम हुआ था, उसी के बाद मेरा एडमिशन लिया था। एंड अब बात आती है कि आपकी ट्वेल्थ में कितनी परसेंटेज होना ज़रूरी है इस कोर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए। आपका 50-60% ट्वेल्थ में होना ज़रूरी है तभी आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। सो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लिया जाता है, लेकिन मैं कुछ यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ जहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने के बाद ही आपका एडमिशन लिया जाता है। BSc ऑप्टोमेट्री की फ़ीस क्या रहती है? अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो आप सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ऑप्टोमेट्री की फ़ी क्या है, इसका एडमिशन फ़ीस कितनी होती है। सो गाइस, इसकी फ़ीस जो रहती है मैं आपको टोटल बता देती हूँ कितनी रहती है, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फ़ीस रहती है। सो जो मैंने डिग्री की है, जहाँ से मैंने BSc की है, मैंने TMU से की है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से, तो मेरा टोटल लगा है 5-6 लाख।
मेरे कोर्स में जो टोटल फी रही है, टोटल मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है वो 5 to 6 लाख में कंप्लीट हुआ है। तो मैं आइडियली आपको बता सकती हूँ, अगर आप कहीं से भी बीएससी ऑप्टोमेट्री करना चाहें तो 5 लाख में आपको ऑप्टोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, अब बात आती है कैरियर की। ऑप्टोमेट्री करने के बाद हमारा क्या कैरियर रह सकता है और क्या फ्यूचर हो सकता है? ज़्यादातर लोग यही एक्साइटेड होंगे कि हम ऑप्टोमेट्री कोर्स कर लेंगे लेकिन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। सो गाइस, 4 ईयर का ये कोर्स होता है, 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है जो कि आप कोई भी हॉस्पिटल से कर सकते हैं। ऑप्टोमेट्री करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब कर सकते हैं, या फिर आप अपना क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं तो आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, आप अपना ऑप्टिकल ओपन कर सकते हैं। ऑप्टोमेट्री करने के बाद आप ये सब कर सकते हैं। अगर आपको बाहर जाना है, अगर आप बाहर अप्लाई करना चाहते हैं अपनी जॉब, तो आप आउट ऑफ इंडिया भी अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ जाकर जॉब कर सकते हैं। इसका काफ़ी अच्छा कैरियर है। आप ऑप्टोमेट्री करने के बाद अपना जॉब कर सकते हैं, अपना क्लिनिक कर सकते हैं, या फिर आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं तो आप इजीली इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो अब बात आती है सैलरी। ऑप्टोमेट्री करने के बाद सैलरी का पैकेज कितना रहता है, अगर ऑप्टोमेट्री कर रहते हैं तो उसका स्टार्टिंग सैलरी पैकेज कितना होता है? तो मैं आपको आइडियली बता देती हूँ, हमारा जो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज होता है वो 20,000 से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री करते हैं, बीएससी ऑप्टोमेट्री करते हैं, तो आपका जो सैलरी है वो 20,000 से स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, मैंने भी बीएससी ऑप्टोमेट्री किया है। अभी मैं दिल्ली में जॉब कर रही हूँ, मुझे 1 ईयर ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा ही हो गया है, अबव हो गया है कंप्लीट जॉब करते हुए। मैंने इंटर्नशिप भी दिल्ली से ही की थी और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी ऑप्टोमेट्री किया है। 3 ईयर्स मैंने वहाँ पर स्टडी की, दैन मैं दिल्ली आ गई थी, वहाँ पर मैंने इंटर्नशिप कम्प्लीट की, दैन अब मैं जॉब कर रही हूँ। अलहमदिल्ला जॉब भी मेरी बहुत अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छे से, एंड आप लोग भी कर सकते हैं इजली, आप कोर्स कर सकते हैं एंड उसके बाद जॉब भी कर सकते हैं, या फिर अपना क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं या ऑप्टिकल ओपन करना चाहते हैं तो वो इजली आप ओपन कर सकते हैं। सो बाकी गाइस, थैंक यू सो मच। मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो अपलोड किया है, मैं थोड़ा ठीक नहीं थी, अनवेल थी। सो अब मैं अपडेट करती रहूँगी, बाकी एक वीडियो मेरी और आएगी। मैं बता देती हूँ कि ऑप्टोमेट्री करने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है, हमारी डिग्री का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है लखनऊ से। तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है, अभी काफ़ी लोग कंप्लीट कर चुके हैं कोर्स को, तो उन लोगों के लिए मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगी कि मैंने कौन सी परेशानियाँ फेस की हैं और कौन कौन से इसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।